हेलो लर्नर्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में। इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इस एक्ट के, क्या इंपॉर्टेंस है और कुछ अमेंडमेंट्स जो इस एक्ट में हुई है उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ओवर द पास्ट डेकेड द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ इंक्रीज्ड साइबर क्राइम्स एंड डेटा रिलेटेड ऑफेंसेज इन इंडिया। As per the news by Hindustan Times, the cyber crime cases increased from 3,693 in 2012 to 65,893 in 2022, recording the highest spike rate. The situation became alarming as even data crucial to national security and integrity was at risk. In response, the government opted to regulate activities on electronic medium and the data stored therein. So, for this, Information Technology Act or IT Act 2000 was introduced. Next is, what is the Information Technology Act 2000? So, the Information Technology Act 2000 is the primary legislation in India dealing with cyber crime and electronic commerce. So, Information Technology Act 2000 जो है वो इंडिया में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करने के लिए एक लॉ है, एक एक्ट है। इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू इंश्योर द लॉफुल कंडक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एंड रिडक्शन ऑफ साइबर क्राइम्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। ये जो एक्ट है, आई टी एक्ट 2000, ये यूनाइटेड नेशन के मॉडल लॉ पे बेस्ड है। दिस लीगल फ्रेमवर्क also known as IT Act 2000 comes with 94 sections divided into 13 chapters and 2 schedules. So इस एक्ट में 94 sections है, 13 chapter है और 2 schedules है। Next हम पढ़ते हैं objectives of IT Act 2000। अब हम देखते हैं कि IT Act 2000 जो है उसके objective क्या थे। So first one is promote efficient delivery of government services electronically और facilitate डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन फर्म्स एंड रेगुलर इंडिविजुअल्स। सो जो आई टी एक्ट है वो जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, उसकी एफिशिएंट डिलीवरी को प्रमोट करना और फर्म्स और इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती है, जो डिजिटल लेन देन होता है, उसको सरल बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है आई टी एक्ट 2000 का। देन सेकंड वन इज इम्पोज पेनल्टी अपॉन साइबर क्राइम्स लाइक डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिक्योर साइबर लैंडस्केप। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उन पे पेनल्टी इम्पोज करना और और भारत में एक सेफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज formulate rules and regulations that monitor the cyber activity and electronic medium of communication and commerce. इस तरह से rules and regulation बनाना जो कि cyber activities और electronic medium of communication and commerce जो है उसको monitor कर सके। Then promote the expansion and foster innovation and entrepreneurship in the Indian IT, ITS sector. इंडिया के जो IT sector है, IT enabled services sector है, उसकी एक्सपेंशन को प्रमोट करना और साथ में ही इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करना। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी एक्ट 2000। सो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, दैट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2000। इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। सो नेक्स्ट आर सम points highlighted to understand the importance of formulating Information Technology Act 2000. So first jo hai, the act provides legal recognition to electronic records resulting in growth of e-commerce and digital transactions in India. So is act ne jo electronic records hai unko physical records ki tarah manyata दी है। इसका मतलब है कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, वो भी कोर्ट में एज एन एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। इसके कारण क्या हुआ है कि इंडिया में जो ई कॉमर्स है, जो डिजिटल लेन देन है, वो बढ़ गया है। देन सेकंड वन इज इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द लीगल इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल सिग्नेचर्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को फिजिकल सिग्नेचर की तरह ही इक्विवेलेंट, लीगली इक्विवेलेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी अब फिजिकल सिग्नेचर की तरह मान्य है।
Third one is the formulation of this act has come up with the establishment of the controller of certifying authorities, a government body that is responsible for issuing the for issuing and maintaining the security of digital signatures as well as digital certificate. So इस एक्ट ने कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है उसको इस्टेब्लिश किया है जिसका काम है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ की फंक्शनिंग को मॉनिटर करना. सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ क्या करती है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट इशूज़ करती है, डिजिटल सिग्नेचर्स की सिक्योरिटी को मेनटेन करती है. तो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होता है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की जो फंक्शनिंग है उनको मॉनिटर करता है. Next is, the act has made it mandatory for companies to obtain consent from consumer when it comes to collecting or using their personal information. इस एक्ट ने ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि अगर वो अपने कंज्यूमर की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के लिए उनको अपने कंज्यूमर से कंसेंट लेनी पड़ेगी. बिना कंसेंट के वो कंज्यूमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते. Fifth one is, with the act becoming effective, individuals have the right to seek compensation in case of damage or misuse of their personal data by an unauthorized party. अगर कोई unauthorized party किसी individual का जो personal data है उसको misuse करती है, misuse करके उसको damage पहुंचाती है, किसी तरह का fraud करती है, तो इस act में उस person को, उस victim को compensation का प्रावधान है. Then sixth one is, through the act, Government of India can criminalize cyber crime, that is hacking, spreading of computer virus, identity theft, etc. So इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने जो ये साइबर क्राइम्स है इनको इलीगल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है. नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल, अ स्पेशलाइज ऑफिशियल बॉडी हायर टू एड्रेस द अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द एक्ट. अगर कोई पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के डिसीजन से नाखुश है तो वो साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें अपील कर सकता है. तो इस एक्ट में साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया है. द नेक्स्ट इज इट कंटेन्स प्रोविजंस दैट सेफगार्ड द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के भी प्रोविजन इस एक्ट में दिए हुए हैं. क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ, ई गवर्नमेंट, मिलिट्री, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन. अगर इनकी सिक्योरिटी किसी तरह से हार्म होती है तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमी, हमारी हेल्थ पे थ्रेट है. तो इसको जो प्रोटेक्ट करना है वो भी इस एक्ट में आ जाता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008. सो जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें सब्सिक्वेंटली काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो अब हम उन अमेंडमेंट्स को पढ़ते हैं. तो सबसे पहला है साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन. इसमें सेक्शन 43A जो है वो इंक्लूड किया गया है. सो सेक्शन 43A सेड कंपनीज हैंडलिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन आर लाइबल टू पे कंपनसेशन इफ दे फेल टू मेंटेन रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस. कि अगर कंपनी जो कोई पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाती तो उसके लिए कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा विक्टिम को. देन सेक्शन 72A इम्पोज पेनालिटीज फॉर डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट द पर्सन्स कंसेंट इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और गेन. सो सेक्शन 72A जो है इंक्लूड किया गया है कि अगर किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जाता है तो इसमें पेनालिटी का जो है प्रोविजन है. देन नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफेंसेस. इसमें सेक्शन 66 आया है. सेक्शन 66 कवर्स वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम्स इंक्लूडिंग हैकिंग. देन सेक्शन 66A पेनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज लेटर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015. तो सेक्शन 66A जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हटा लिया है. देन सेक्शन 66B टू 66F इंट्रोड्यूस पेनालिटीज फॉर ऑफेंसेज लाइक डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर टेररिज्म. सो ये जो नए जो सेक्शंस है वो इंक्लूड किए गए हैं अमेंडमेंट एक्ट 2008 में.
नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डब्ल्यू डिफाइंस इंटरमीडियरीज एज एंटिटी फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज एंड और कम्युनिकेशन. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डब्ल्यू में इंटरमीडियरीज को डिफाइन किया गया है. इंटरमीडियरीज हो जाती है जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन्स, जो पेमेंट साइट्स होती है, दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज. सेक्शन 79 कहता है, सेक्शन 79 प्रोवाइड्स कंडीशनल इम्यूनिटी टू इंटरमीडियरीज. तो सेक्शन 79 जो है इन इंटरमीडियरीज को जो है वो कंडीशनल इम्यूनिटी देता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट लाइबल फॉर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल बाय हिम. सो सेक्शन 79 कहता है कि ये जो इंटरमीडियरीज है ये थर्ड पार्टी के एक्टिविटीज़ के लिए, के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी. सेक्शन 70A and 70B इस्टाब्लिश द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एंड द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी. तो सेक्शन 70A और 70B में ये दो जो मॉडल एजेंसीज है, राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसीज इस्टाब्लिश की गई है कंप्यूटर सुरक्षा के लिए. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. एक्सपैंड ऑन द यूज एंड रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर, इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलोंगसाइड डिजिटल सिग्नेचर्स. अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है, उनको भी डिजिटल, जो उनको भी जो लीगली जो रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको भी जो लीगल मान्यता दी गई है. इससे क्या हुआ है कि इससे जो हमारा डिजिटल लेन देन है, हमारा ई कॉमर्स है, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है. सो दीज आर द अमेंडमेंट्स. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ MCQs बेस्ड क्वेश्चंस है, क्विज है आपके लिए. आपको इस क्विज को अटेम्प्ट करना है और इसके आंसर्स जो नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें डालकर मुझ तक पहुंचाना है. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.